आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पूरे दिन मैंने क्या किया। एक्चुअली मैंने 3 बहुत ही बेकार पड़ी हुई चीजों को बहुत यूजफुल आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये है देखिए, मिट्टी के बने हुए कुछ स्टूल्स जो कि तबले की शेप में हैं, बिल्कुल खराब ये हो गए हैं। इनके ऊपर से सारा डिजाइन हट गया है, पेंट भी इनका खराब हो गया है और जो मिट्टी इस पे लगी हुई है वो भी निकल रही है और झड़ रही है। करीब ये 1-1.5 साल से मैंने बिल्कुल बाहर ये फेंक रखे थे, लेकिन अब सोचा कि चलो इनका मेकओवर करते हैं और इन्हें कुछ ऐसी चीज में कन्वर्ट करते हैं कि इसको मैं घर के अंदर रख सकूं। बहुत ही बुरी कंडीशन है और देखते हैं इसको मैं किस तरह से चेंज करूंगी। तो सबसे पहला काम होता है इसकी रिपेयरिंग करना, तभी हम इसे कुछ सजा सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं। तो जो इसके ऊपर ये लगा हुआ था पेंट या इसकी जो मिट्टी निकल रही थी, उसको मैंने एक रेगमार्क पेपर से थोड़ा सा घिस दिया ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें गंदगी है वो निकल जाए। उसके बाद देखिए, मुझे रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत पड़ी वॉल पुट्टी की। ये सिंपल वॉल पुट्टी है जो दीवारों पर लगती है जब पेंट वगैरह होते हैं घरों में, तो ये आपके पेंटर्स जरूर मंगाते होंगे। ये मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी है क्योंकि मैंने बाहर अभी पेंट करवाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। काफ़ी सस्ती ये आती है, शायद 150 रुपीज़ की 5 kg आती है, कुछ ऐसा ही रेट है। तो सबसे पहले इसको पानी में घोलना है, इसका एक घोल बनाना है। और घोल बनाने के लिए मैंने यूज़ किया एक पत्ती का, जो कि 10 रुपए की एक मेटल की पत्ती आती है, पेंट वालों की शॉप पे ही मिल जाती है। इसी से ही हम एक्चुअली इस वॉल पुट्टी को लगाते हैं। तो देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैंने काफ़ी पतली रखी है। पहले देखिए, अभी थोड़ी सी थिक है ताकि मैं इसे ऊपर लगा सकूं। तो जहां पे आपको थिक लगानी है तो वहां आप इस पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां पे थोड़ी सी आपको पतली लगानी है या जहां पे केवल आपको रिपेयरिंग करनी है थोड़ी बहुत, तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डाइल्यूट करके आप इसे ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें अच्छी तरह से ब्रश की मदद से दोनों ही अपने स्टूल्स में जो है ये वॉल पुट्टी लगा दी है, इससे इनमें एक एक्स्ट्रा मजबूती आ गई है। इसके साथ साथ वॉल पुट्टी को हम और भी कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, मेरे ये मैंने लगा के अब छोड़ दिए हैं, सूखते रहेंगे। मेरे पास ये कुछ टूटे हुए प्लांटर के स्टैंड्स हैं, आपके साथ शेयर किए थे दिवाली से पहले मैं इनको लेकर आई थी। इनके पता नहीं कैसे ये पैर निकल गए हैं, दोनों के ही ऐसे निकले हैं, शायद बहुत हैवी वेट इस पे रख दिया हो शायद इसलिए। तो इनको भी बहुत आराम से वॉल पुट्टी की मदद से जोड़ सकते हैं। थिक कंसिस्टेंसी की मैंने बनाई, मतलब थोड़ी सी पानी इसमें कम मिलाया और अच्छी तरीके से इसकी मदद से इस पैर को मैंने इसमें चिपका दिया। तो इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए, तो वॉल पुट्टी को सूखने में करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को वॉल पुट्टी की मदद से, कुछ को तो रिपेयर कर दिया और कुछ टूटी हुई चीज़ों को अच्छी तरीके से अंदर बाहर वॉल पुट्टी लगा के चिपका दिया। इसके अलावा भी वॉल पुट्टी को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है सीलन को हटाने के लिए। और एक और चीज़ है जो आज मैं शेयर कर रही हूँ, देखिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं छोटे बड़े घर में, देखिए इस तरीके के हैं। मेरे पास जो छोटे वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, इनको मैं एक यूज़फुल आइटम में चेंज करूंगी। बहुत ही आसान तरीका है और इसके लिए आपको किसी भी गिफ्ट रैप पेपर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसमें लगाने की चिपकाने की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीका है, आप वॉल पुट्टी ले लीजिए और वॉल पुट्टी को इस कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी करके, पतला सा घोल बना के, ज़्यादा पतला भी ना हो, आप ब्रश की मदद से या पत्ती की मदद से, हाथों की मदद से इस पे लगा दीजिए। तो ये आप बना सकते हैं, पेन पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं, किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लांटर्स बना सकते हैं और डेकोर पीसेज यानी कि वासेज वगैरह बना सकते हैं। तो देखिए, ये एक कार्डबोर्ड बॉक्स है और इसके ऊपर पत्ती से मैंने थोड़ी सी मोटी मैंने कंसिस्टेंसी रखी वॉल पुट्टी की और इसके ऊपर चिपका दिया। एक बिल्कुल नेचुरल सा गमले का सा लुक निकल कर आएगा, ऐसा लगेगा कि कोई गमला सा ही है ये, नेचुरल बिल्कुल सीमेंट का बना हुआ। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये लगा दी। अब जैसे गिफ्ट रैप पेपर है, उसकी भी आप शीट खरीदते हैं तो काफ़ी महंगी आती है, जितनी वो शीट खरीदेंगे उतने में तो ये 1 kg आ जाएगी। और ये 1 kg में मैंने अपने दोनों स्टूल्स पे भी लगा दी और वो प्लांटर स्टैंड को चिपका लिया, और इस तरह से मैंने ये 3 जो हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस के ऊपर भी लगा दी और इनको सूखने के लिए छोड़ दिया। सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इन्हें 2-2.5 घंटा लगता है वॉल पुट्टी को सूखने में।
तो अब मैं नहा के आ गई और नहाने के बाद मुझे काम करना है अब अपने स्टूल्स का, तो इन्हें तो मैंने छोड़ दिया। अब देखिए ये स्टूल्स हैं, ये अनइवन हो जाते हैं जब हम इसमें लगाते हैं, तो कहीं से मोटी पुट्टी लग जाती है, कहीं से पतली लगती है, तो इसे सही करना है, बिल्कुल हमें प्लेन करना है। और प्लेन करने के लिए वही सैंड पेपर या रेगमार्क का पेपर आता है, पेंट वालों की शॉप पे मिल जाता है। बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इसको घिस दिया यहाँ पे, तो ये पूरा प्लेन हो जाएगा। इस पे अगर पेंट वगैरह करेंगे तो वो बहुत ही सही से आएगा। तो सबसे पहले देखिए वाइट कलर का पेंट मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, आपके साथ शेयर किया है मैंने ये चीज़। तो इसके ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा वाइट पेंट में, जो कि दीवारों पर हम करते हैं, तो दीवारों वाले पेंट में पानी मिला के मैंने दोनों स्टूल्स के ऊपर जो है पेंट कर लिया। इससे क्या होगा, हम जब दूसरा पेंट करेंगे तो उसकी जो फिनिश आएगी वो बहुत ही अच्छी फिनिश आएगी। तो वाइट कलर करने के बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया, और देखिए ये तो आधे घंटे में सूख गए। अब सूखने के बाद मुझे इन पे कलर करना था। नॉर्मल जो एक्रेलिक पेंट होते हैं वो मेरे पास थे, ये दोनों कलर, यही दोनों कलर मैं इसके ऊपर यूज करूंगी। दिवाली पर मैं ये कलर लेकर आई थी दीपक वगैरह पेंट करने के लिए। तो जो इसमें डिज़ाइन है इनमें वो इस तरह से है कि एक को एक कोना छोड़ के, मतलब एक पट्टी छोड़ के मुझे दूसरी पट्टी पे कलर करना था, तो मैंने येलो और पिंक की मदद से जो है इसको पूरे को कलर कर लिया। मतलब डिज़ाइन है, कहीं जगह ये टूटा हुआ है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए ये हो गए पेंट, और पेंट होने के बाद सूख गए हैं। अब आगे इसमें हमें कुछ सजावट करनी है और इसके गंदे पार्ट को छुपाना है। तो रस्सी ली और इसके डिज़ाइन से मिलाते हुए उस रस्सी को मैंने चिपकाया, क्योंकि जगह जगह से ये टूटे हुए हैं और हमें जो है वही चीज़ छुपानी है। तो रस्सी से बहुत ही आसान है, सस्ती ही आती है रस्सी की बॉल भी जो है, उन्हीं की मदद से, ग्लूगन की मदद से या फेविकॉल की मदद से आप चिपका सकते हो इसको। तो मैंने ग्लूगन की मदद से चिपका लिया, और नीचे की तरफ भी जहाँ ये टूटा हुआ था वहाँ पे थोड़ी सी जो सेम रस्सी थी उसको मैंने लपेट दिया। इसको मैंने ग्लूगन की मदद से ही चिपकाया है, वैसे फेविकॉल से भी रस्सी वगैरह बहुत अच्छे से चिपक जाती हैं, और इससे जितना भी इसका अगली पार्ट था वो सब छिप गया। अब ऊपर की बात करें तो ऊपर से क्योंकि ये काफ़ी टूटा हुआ था, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी वॉल पुट्टी भरी थी, तो मुझे एक अच्छा लुक देना था, क्योंकि पेंट करने से ये अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ग्लूगन की मदद से ही ऊपर के साइड में भी इस तरह से रस्सी चिपका ली। अब हम जब इस पे कोई सामान रखेंगे तो ये बिल्कुल गिरेगा नहीं, और बहुत ही सुंदर लगता है जब आप रस्सी से कवर कर देते हो, मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो मैंने रस्सी को इसके चारों तरफ इसी तरीके से ऊपर के साइड में लपेट दिया, थोड़ी बहुत लेस लगाकर भी जो चीज़ें इसकी ख़राब थी उन्हें छुपा के मैंने थोड़ा सा इसे डेकोर भी कर दिया। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत मुझे ये लगा। उसके बाद इसमें थोड़े से टैसल वगैरह लटकाने के लिए मैंने बना लिए रस्सी के ही, क्योंकि कॉर्नर में जो इसका एक डिज़ाइन है वो टूटा हुआ है, तो इससे जो है इसका एक बड़ा अच्छा सा लुक आ जाएगा, ऊपर के साइड से ये अच्छे लगने लगेंगे। तो देखिए इस तरह से इन्हें लगा दूंगी मैं ग्लूगन की मदद से ही, और ये तैयार हो जाएंगे मेरे दो बहुत ही सुंदर स्टूल्स यानी कि तबले। किचन के बाहर जो मेरी सीढ़ियां हैं, इस कॉर्नर पे मैं बहुत बैठती हूँ, मैं क्या सभी लोग बहुत बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ी मेरी सीढ़ियों की चौड़ाई भी ज़्यादा है, काफ़ी सारा स्पेस है, तो मैंने देखिए इनको यहाँ रख दिया। कैसे लगे ये तो आप ही बताइएगा, ये तो आप ही बताएंगे कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आए। तो इसमें से मैंने अभी वैसे एक को हटा दिया है, यहाँ पे एक रखा हुआ है, तो अभी तो दोनों को देखिए ये कॉर्नर कितना सुंदर लगने लगा। कुछ मैंने यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रख दिए, जिससे ये बड़ा ही अच्छा सा एक कॉर्नर, मेरा मनपसंद कॉर्नर तो वैसे यही है, ये बन गया। तो अब आते हैं, अब चलते हैं आगे अपने दूसरे पार्ट पे। ये है देखिए वही बॉक्सेस जिसके ऊपर हमने वॉल पुट्टी करी थी, इसको मैंने कलर करा। तो देखिए कलर करने के लिए जो जब मैं इसे कलर कर रही थी, किसी भी कलर से करिए, एक्रेलिक पेंट्स हों या वॉल पेंट्स हों, ये वॉल पेंट है मेरे पास जो दीवारों पर होते हैं, तो इनको ऐसे कलर किया कि नेचुरल से लगें, थोड़े थोड़े से इस तरीके से मैंने इनको पेंट किया, बिल्कुल एक जैसा पेंट नहीं किया। और ये तो मैंने डबल कलर से किया, पहले मैंने इसको मजेंटा कलर से किया और फिर इसके ऊपर ग्रीन कलर की थोड़ी सी पट्टी बना दी ताकि ये डबल कलर में नज़र आए। बहुत ही सुंदर ये लग रहे हैं। अब इनका ऊपर का पार्ट कवर करना है, तो जब कभी भी आप कार्डबोर्ड बॉक्स को यूज़ करें तो ऊपर का पार्ट कवर करने के लिए आप फैब्रिक का सहारा लीजिए।
नाप की फैब्रिक ली, चारों तरफ से नाप लिया, सिलाई लगा दी उसमें, ऊपर से भी देखिए पट्टी इस तरह से सिल दी, अंदर डाल के थोड़ा सा इसमें बाहर की तरफ इसे फंसा के अच्छी तरीके से इसके चारों तरफ लपेट दीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिएगा और देखिए कितने अच्छी तरीके से ये एक छोटा सा जो है एक यूजफुल आइटम रेडी हो जाएगा। या फिर आप नैपकिन ले लीजिए, जो नॉर्मल किचन के नैपकिन्स होते हैं, ये एक्चुअली बहुत सुंदर सुंदर कलर्स में आते हैं। तो सेम मेथड से ऊपर से इनको थोड़ा सा मोड़ा है और इसे अंदर की तरफ देखिए इस तरह से हमने इसमें डाल दिया बॉक्स में और चारों तरफ इसी तरह से लपेट दिया। और अगर कम पड़ेगा तो बिल्कुल सेम आप दूसरा एक पार्ट और इसी तरीके से ऐड कर दीजिए और जहाँ पे जोड़ लगाएं वहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दीजिए फेविकॉल वगैरह से। तो ये तो बहुत ही यूजफुल आइटम है। मैं अभी ऐसे और भी बनाऊंगी, थोड़े बड़े बनाऊंगी साइज में, क्योंकि मुझे इनका काम है, शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगे, मैंने ये तीन बनाए हैं और तीनों को मैंने एक्चुअली एक वासेस की तरीके से बनाया है और एक में मैं कुछ और सामान रखूंगी। अभी फिलहाल तो मैंने इसे बस बना के रख के एक डेकोर पीस की तरीके से आपके साथ शेयर कर लिया। तो इसमें आप छोटे मोटे पौधे भी रख सकते हैं लाइव, आप इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, कुछ पेन स्टैंड बना लीजिए, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो बहुत ही आसान है बनाना और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, मतलब काफ़ी दिनों तक ये ऐसे के ही ऐसे बने रहते हैं और देखने में तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते ही हैं। और कैसे लगे हैं ये तो आप बताइएगा, यूजफुल आइटम है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये तो मैं आपसे इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये बनने में बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही सस्ते हैं, मतलब बहुत ही आराम से आप इन्हें बना सकते हो और बनाना भी आसान है। तो अब इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो पूरा दिन मेरा निकल गया और इस वक्त तो शाम हो रही थी और तब मैंने लास्ट इस वीडियो का लास्ट पार्ट पे मैं पहुंची हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ गए। तो वॉल पुट्टी का यूज़ हमने कितने अच्छी तरीके से इसमें कर लिया। ये भी मेरा वॉल कलर है जो मेरे एक बेडरूम का बचा हुआ रखा है, उसको मैंने पेंट कर लिया। अभी तो सिंगल कोट ही इसमें किया और ये भी एक अच्छे तरीके से यूजफुल आइटम में कन्वर्ट हो गए। तो इसके ऊपर सामान रख लीजिए, किसी भी तरीके से हम इनको सजा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके ही हम घर का डेकोर कर सकते हैं और कई बार तो हमें नई चीज़ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।